सैनिकों से, बड़े बलिदानों से बना है। लड़ेंगे लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान होते रहे, इसके लिए 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना है। महिलाओं पे अत्याचार करो, महिलाओं पे अत्याचार करा इस सरकार ने। गुंडागर्दी किसकी है, सिक्योरिटी कितनी गली हुई है, आप देख सकते हो। प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। जैसे मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, बर्बरता पूर्वक लोकतंत्र की हत्या करते हुए कैसे एक एक करके सारे नेताओं को अंदर कर रहे हैं। भाजपा प्रदर्शन करेगी तो पुलिस नहीं जाएगी वहाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस धकेल के इनको ऑफिस के अंदर जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पकड़ा जाता है, जैसे ही बीजेपी में आता है वॉशिंग मशीन से धुल के वो साफ हो जाता है। क्या वोटों की चोरी करना बंद करिए, ये लोग मेयर चोरी चुपके से बनाए हैं, इन लोगों ने गलत किया है, तानाशाही किया है। अरविंद केजरीवाल जी से घबराए हुए हैं, आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं, इसलिए आज अपनी पुलिस लगा के हमको धकेल रहे हैं। क्या हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर भाजपा केजरीवाल जी के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आई और लगातार भाजपा प्रदर्शन करेगी तो पुलिस नहीं जाएगी वहाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस धकेल के इनको ऑफिस के अंदर जाएगी। हमारे विधायकों को डिटेन किया गया, पूर्व सांसदों को हमारे थाने में बैठाया गया, आखिर कैसी तानाशाही है, ये किस तरीके का सौतेला व्यवहार है? क्या आप केंद्र की सत्ता में हो, तानाशाही अपना रहे हो तो आप ऐसे करोगे? हम लोग लड़ेंगे, संघर्षों से निकली हुई पार्टी हम लोग लड़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार कुछ नहीं हुआ है इनको, जब शुभेंदु अधिकारी पकड़ा जाता है जैसे ही बीजेपी में आता है वॉशिंग मशीन से धुल के वो साफ हो जाता है, ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो झारखंड में, अब दिल्ली का नंबर है, इसको लेकर नाराजगी आप लोगों में? बिल्कुल नाराजगी है, एक आदिवासी नेता को जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनको पकड़ा गया, क्या सबूत है? मैं पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी का भी मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी भी जेल में है, अब ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में बंद करने की तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके से, हम इसको सहेंगे नहीं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सीबीआई की कार्रवाई को कैसे देखती हैं आप, स्वतंत्र दबाव में? ये ईडी और सीबीआई तो मोदी साहब की एजेंसियां है, बिकी हुई एजेंसियां है, ये तलवे चाट रहे हैं मोदी साहब के ताकि इनका घर चलता रहे, लेकिन जनता को सच्चाई पता है ये कैसे बर्बरता पूर्वक लोकतंत्र की हत्या करते हुए कैसे एक एक करके सारे नेताओं को अंदर कर रहे हैं, ये पूरी जनता को दिख रहा है और जनता बदलाव जरूर लेगी। ये देश बड़ी उम्मीदों से, बड़े बलिदानों से बना है, इस लोग देश के लोकतंत्र को यूं ही समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। मोदी जी से हर प्रकार से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी अपना पूरा संघर्ष करेगी और देश के लोगों से आह्वान करती है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान होते रहे, इसके लिए 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना है। राम मंदिर खाने को नहीं देता, मेरे हरियाणा से आता हूँ, मेरे हरियाणा के लाखों बेरोजगारों को इसराइल गाजा क्षेत्र में भेजा जा रहा है। मेरे बेरोजगार भाई आज महंगी महंगी कोचिंग लेकर के भी आवारा घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं, उनके रोजगार की बात नहीं होती, मोदी जी मन की बात करते हैं। इस देश में ये कब तक चलेगा? कितनी दूर है ऑफिस यहाँ से? कितनी दूर है? आगे तो खान की बिरयानी घर आगे क्यों आ रहे? आगे क्यों आ रहे बताओ? भाई धक्का क्यों मार रहे? धक्का बनाओ, धक्का बनाओ, भाई धक्का क्यों मार रहे? भाई धक्का क्यों मार रहे? धक्का क्यों मार रहे? बस आ गई।
पे अत्याचार करा, महिलाओं को मारा, महिलाओं के मान सम्मान को ठोस पहुंचाई। ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। झारखंड में लोकतंत्र की हत्या करी है, झारखंड में लोकतंत्र की हत्या करी है, पूरी तानाशाही चल रही है यहाँ पर। पुलिस को आगे करके महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है, उस महंगाई में मुद्दा क्यों नहीं बोली भाजपा सरकार? सिलेंडर इतना महंगा, इतना राशन महंगा, महंगाई में मुद्दा क्यों नहीं बोली? जनता क्यों पागल बना रही है बताओ, क्यों पागल बना रही है मोदी सरकार? आप ये बताओ, यहाँ पर कितनी गुंडागर्दी चल रही है? गुंडागर्दी देखो कितनी चल रही है, हमें मारा जा रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है। देखो आप, देखो आपके सामने जनता परेशान कर जा रहे, ये लोग जनता को परेशान कर जा रहे, आप देख सकते हो ना, जनता परेशान कर जा रहे ये लोग हमारे। ये हमारे सगे नहीं है, ये हमारे सगे नहीं है, हम चाहते हैं हमारा केजरीवाल हमारे पास आए, हम चाहते हैं क्या सीट है आम आदमी पार्टी जीते, हम ये चाहते हैं। आप देख लो जनता, आप आगे देख लो, आगे देखो, जाने नहीं दे रहे हमें, हमें रोका जा रहा है। ये गुंडागर्दी किसकी है ये बताओ, किसका राज है पूरे देश में, राज किसका है आप क्या बताओ? हम जनता कार्यकर्ता रोका जा रहा है, हम किसके लिए लड़ेंगे? हम अपने हक के लिए लड़ लें, अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप देखो हमारा हक सीना जाना है, हमारा हक सीना जाना है, हमें लड़ना है, हमें जाने नहीं दे रहे आगे। आप देखो हमारी सिक्योरिटी कितनी करी हुई है, सिक्योरिटी कितनी करी हुई है, आप देख सकते हो। प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, बट लेकिन हमने शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन नहीं किया। किस तरीके से पुलिस जिसमें मतलब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जैसे मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जैसे मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे भाई, अरे मुझे जान लो भाई, आगे चलो यार, उधर पीछे ना, तुम आगे क्यों, तुम भी उधर चलो, मगर जाए ना, तुम ले लो यार, पीछे ले लो, क्यों जाओगे, अरे पीछे हो क्या, तो मैं तो थोड़ा पीछे हो रहे भाई, बोलने की तमीज ही नहीं है यार इनको भी।